इस न्यूज के प्रायोजक हैं कड़कनाथ इन लखनऊ। कड़कनाथ मुर्गे व अंडे जो है अत्यधिक प्रोटीन से भरे हुए, साथ ही इसमें है डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को संतुलित करने की शक्ति। सपा प्रमुख अखिलेश यादव शनिवार को रामपुर पहुंचे और किले के मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कमलेश तिवारी हत्याकांड का मामला उठाया। अलाइव 24 के संवाददाता प्रियांश सक्सेना की द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सपा प्रमुख बोले कि योगी सरकार ने हमें सुरक्षा नहीं दी और उसी का परिणाम है कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी से घबरा तो नहीं जाओगे? अरे बीजेपी के लोग खुद दुखी हैं, उनके लोग मारे जा रहे हैं, खुद परेशान हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो मारा गया है लखनऊ में, उसकी माँ का स्टेटमेंट जरूर देखना टीवी पर, पूरा देखना कि माँ ने क्या क्या कहा है, तो आपको पता लगेगा कि आखिरकार दोषी कौन है। क्योंकि योगी सरकार है और वहाँ जारी भर है कले तो आजम खां के जमाने से तब कोई अंगुली नहीं लगा पाए थे, और योगी की सरकार हमारे बेटा का मनवा जा रही नहीं होगी, और योगी की सरकार हमारे बेटा का मनवा जा रही नहीं होगी, हिंदू मिलकर मनवा जा रही नहीं होगी, हम योगी पर छोड़ देंगे, योगी हमें हमका इंसाफ दे आए। और उस कहानी को भी दूसरी कहानी की तरफ लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2015 में धमकी दी गई थी, और अगर 2015 में धमकी दी गई थी तो बताओ पिछले 2.5 साल से सरकार क्या कर रही थी, 2.5 साल से सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। ये केवल कहानी बना रहे हैं, और जिन्होंने घटना की वो अभी नहीं पकड़े गए हैं, पकड़े वो गए हैं जो 2015 में साजिश कर रहे थे। इसलिए उसकी माँ की बात सुनना आप, और अगर माँ की बात सुन लोगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार सरकार किस रास्ते पर है, और जिस रास्ते पर सरकार है उससे आपका हमारा भविष्य बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए एक एक वोट साइकिल के छिन पे डाल देना, यही निवेदन, ये अपील आपसे मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।